अब घर घर में दीपक जलाते हैं, क्या तकलीफ आता है, मैं ये समझाना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपके घर में 5 लोग आए हैं, तरह तरह के लोग, तो उनको आपने भोजन के लिए बुलाया है, पांचों विभिन्न जात के परिवार के हैं, तो पांचों के लिए आप अलग अलग थाली रखोगे, अलग अलग खाना परोसोगे ना, ये सबको एक साथ तो नहीं बैठा दोगे एक थाली में। आजकल घर घर में 15 फोटो है, 10 फोटो है, 20 फोटो है, तो वो 20 फोटो है तो अगर आप 20 दीपक जला सकते हो तो ये 20 फोटो रखो, एक दीपक दो दीपक जलाओ 2500 फोटो रखे हो तो ये तो ऐसा हुआ कि 20 लोगों को बुलाया नहीं, एक थाली में खाना रखा। अलग अलग जात का आदमी कैसे एक थाली में खाना खाएगा, क्योंकि उनकी अपनी परंपराएं अपनी अपनी बातें होती है, तो वो शायद नाराज भी हो सकते हैं। इसीलिए आज किसी भी घर में दीपक का फल नहीं मिल पाता, कारण ये है कि उन लोगों को अपनी जो ये दीपक करने की जो पद्धति का ज्ञान नहीं होने से वो लोग 25 फोटो 20 फोटो रख के दो दीपक करते हैं, वो दीपक कभी नहीं पहुंचता। एक लेटर लिखोगे ऊपर 7-8 एड्रेस लिख दोगे तो लेटर आपको ही रीसेंड होगा, रिटर्न टू सेंडर। इसलिए दीपक करना हो जितना दीपक कर सकते हो उतना फोटो रखो, या उतना ही फोटो रखो कि जितना दीपक कर सकते हो, वरना भटक जाओगे। ये चीज में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप जरूरी यही है कि आप दीपक का पूरा ध्यान रख के दीपक जलाना बहुत जरूरी है। अब खास बात ये है, आपने देखा होगा कि करंट का वायर दो तारों से करंट जाता है, एक तार हो उधर करंट कभी नहीं जाता, दो तारों से ही करंट जाता है। आज घर घर में दीपक करते हैं, रूई में एक बत्ती कर देते हैं, उसको डाल देते हैं, जलाते हैं। जब एक तार से शक्ति प्रकट नहीं हो सकता है, E=mc², ये अगर शक्ति का फॉर्मूला है, तो दिन रात धूप छांव काया छाया ऐसे दो दो चीजों से ही सृष्टि बनी है, स्त्री और पुरुष कोई भी हो, दो के संगम से संसार चलता है। तो आज जितने लोग जन कई पीढ़ियों से दीपक जलाते हैं, उनको कृपा नहीं मिलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वो लोग दीपक में दो बत्ती डाल के दीपक नहीं जलाते, एक ही बत्ती डालते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव तार के बगैर शक्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वेद परंपरा सनातन धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म के संपूर्ण विज्ञान के अनुसार दो तारों से ही शक्ति जा सकती है। तो आपको ऐसी मोड़ी लेकर के इस मोड़ी में से आप अच्छे से ऐसे मोड़ी को ले लिया आपने, तो इस मोड़ी को आपने दो मोड़ियों को लेके देखिए, ऐसे हमने गूंथा हमारा दीपक, सब देखिए जितने दीपक जितने देवता हैं सबके अखंड दीपक जले और सबका नित्य पूजा में एक छोटा दीपक जले, वो दीपक विधान है, इसके बगैर देवता प्रसन्न होंगे ऐसा कभी मुझे लगता नहीं है और लगेगा भी नहीं, क्योंकि दीपक हर जगह बराबर जलना जरूरी है। बड़े बड़े लोग मूर्ति रख लेते हैं, बड़ा बड़ा मंदिर फोटो रख के मंदिर बना लेते हैं, लेकिन कितनी मूर्ति रखी है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, किस प्रकार की पूजा हो रही है ये ज्यादा महत्वपूर्ण की बात है। तो दीपक में बत्ती ऐसे दो तारों की बत्ती होनी चाहिए, ऐसा लंबा जितना भी चाहिए आप गूंथ लें और उसके बाद में कट करके डब्बे में भर के रख लें, जब चाहिए बहुत आराम से एक बत्ती लिया जितना लंबा चाहिए कट करके रख लें, इसको आटा डाल लें। अगर भैरव का दीपक करना है, शनिश्वर जी का, हनुमान जी का करना है, तो तिल का तेल भरें, बाकी सबके लिए घी का अच्छा है, तो ऐसे दीपक करें जिससे कल्याण होगा।